व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है शिवम छुनेजा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अभी चाइनीज ऐप्स पे बैन लगा है, उस सिचुएशन में क्रिएटर्स क्या कर सकते हैं, एज वेल एज आप लोग क्या कर सकते हैं आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को लेकर जो इस बैन से अराइज होती है। तो गाइज वेलकम टू द चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस पसंद हैं। एंड अगर आपने लाइक बटन पे मुक्का नहीं मारा है तो ज़रूर नीचे लाइक बटन पे मुक्का ज़रूर मार दीजिए। एंड इससे चैनल को फ़ायदा होगा, इससे एल्गोरिदम को पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है। तो चलिए पहली बात करते हैं कि ये जो चाइनीज़ ऐप्स का बैन है, जिसमें मेजरली आज हम टिकटॉक की बात करेंगे क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ, ये क्यों लगा है ये तो हम सब जानते हैं। बट वन थिंग दैट आई वांट टू मेंशन कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो हमारे अच्छे के लिए कर रही है, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। इसके अगेंस्ट जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारी सोच विचार के बाद गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसमें ये बैन लगा है। तो अगर आप एक टिकटॉक क्रिएटर हैं, व्हाट आईड से कि आप डाइवर्सिफाई करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम इस वीडियो में बात करेंगे जिन चीज़ों के बारे में, बट यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ताकि आपको ये धक्का ना बैठे या आपको क्या क्या करना चाहिए था। तो एज यू ट्राई एंड बिल्ड योर ऑडियंस नाउ एक नए प्लेटफॉर्म पे, या आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं इस सिचुएशन के अंदर, तो कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं क्रिएटर्स के बारे में। क्रिएटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इवन बिजनेसेस के लिए। तो अगर आपने कोई बिजनेस बिल्ड किया था टिकटॉक के सर पे, या आपने कोई बिजनेस बिल्ड किया है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सर पे, ये चीज़ें हमको रियलाइज करनी है। नंबर वन इज़ कि जब हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं एंड वी हैव एन ऑडियंस, वो ऑडियंस को हम ओन नहीं करते, वो ऑडियंस को वो वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओन करता है। एंड दैट क्रिएट्स द सिचुएशन इन दिस वे कि अगर कल सुबह वो प्लेटफॉर्म चाहे और आपका प्रोफाइल बंद कर दे, यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनी थिंग उसके बाद। तो वो ऑडियंस का जो, एंड दिस इज जब हम एक्सेप्ट टर्म्स करते हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाते हुए, दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। तो ये हमें रियलाइज करना है कि वी डोंट ओन आर ऑडियंस। तो फॉर एग्जांपल मैं आज यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, ये जो ऑडियंस आप लोग हो, मेरे पास आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो कल सुबह अगर यूट्यूब मेरा चैनल बंद कर दे, मेरे पास आप तक पहुँचने का कोई तरीका नहीं होगा, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो क्रिएटर्स, जो मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे क्रिएटर्स मिस कर जाते हैं इसमें एक चीज़ को, वो है कि दो चीज़ें करनी होती हैं हमको। पहली चीज़ है यू हैव टू ओन योर ऑडियंस, मतलब एक ईमेल लिस्ट तैयार हो आपके पास, एक फ़ोन नंबर लिस्ट तैयार हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हो जहाँ पे जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो लोग आपको अच्छे से फॉलो करते हैं, आपके ट्रू फैंस हैं, वो उस ग्रुप में, उस ईमेल लिस्ट में इन्वॉल्व हो। अभी ईमेल लिस्ट कैसे बनाए वो आप मेरा एग्जांपल अगर लोगे, मेरे वेबसाइट पर जाओगे तो आप, बिकॉज मेरा चैनल मार्केटिंग के बारे में है एंड जिस तरीके से मैंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स ग्रो किए, मैंने एक छोटा सा पीडीएफ ईबुक लिखा है, वो छोटा सा ईबुक आई गिव अवे फॉर फ्री इन एक्सचेंज फॉर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ पीपल हु फॉलो मी। तो वो मैं और कहीं पर भी प्रमोट नहीं करता हूँ, वो बुक मैं सिर्फ प्रमोट कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे यूट्यूब पर जो भी मुझे फॉलो करता है वो जाके वो ईबुक डाउनलोड कर सकता है। तो ऐसे ही मैंने कुछ 1600 समथिंग लोग उस लिस्ट में ले आए हैं एंड दैट इज़ वॉट वी नीड टू डू। कि आप अगर एक क्रिएटर हो, आपको सबसे पहले तो अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी शुरू करनी चाहिए, बिकॉज आपका ज़्यादा कंट्रोल रहता है। तो जब आप कुछ पोस्ट करना चाहते हो, आप कल बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे, आप चाहोगे आपके पास कस्टमर्स हों, दिस ईमेल लिस्ट इज़ गोइंग टू बी द पीपल जिन्होंने ऑन पर्पज आपको अपना ईमेल दिया है एंड दे आर गोइंग टू वॉन्ट टू हैव दैट कम्युनिकेशन आपकी तरफ से। तो अगर आप एक क्रिएटर हो या आप एक बिजनेस हो, यू हैव टू रियलाइज, या आप एक ऑनलाइन बिजनेस हो या आप एक ब्लॉग बना रहे हो, तो स्पेशली विद ब्लॉग्स बिल्डिंग एन ईमेल लिस्ट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी किसी भी सोशल मीडिया क्रिएटर के लिए, किसी भी ब्लॉगर के लिए। एक ईमेल लिस्ट होना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। ज़्यादा वीडियोज डालना ऑफकोर्स इज इम्पॉर्टेंट, बट फॉलोअर्स के पीछे जाने की बजाय ईमेल लिस्ट का नंबर ग्रो करने के पीछे जाया जाए तो लॉन्ग रन में बहुत लुक्रेटिव होता है। इन मार्केटिंग वर्ल्ड हम लोग बहुत रेगुलरली क्या बोलते हैं कि हर एक ईमेल सब्सक्राइबर पर मंथ $1 इनकम के बराबर है। तो अगर मेरे 1000 ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं एंड आई मोनेटाइज देम रियली रियली वेल, विच आई डोंट डू बाय द वे, ऑन पर्पज मैं नहीं करता हूँ, बट अगर मैं वो 1000 ईमेल सब्सक्राइबर्स को मोनेटाइज करने की कोशिश करूँ तो मेरा
$1, मतलब $1,000 पर मंथ आई कैन जनरेट फ्रॉम 1,000 सब्सक्राइबर्स टू माई ईमेल लिस्ट। एंड वो कैसे मोनेटाइज किया जाता है वो कभी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट उसके भी बहुत अलग अलग तरीके हैं उसको वो करने के, यूज़ करने के। दूसरी चीज़ जो क्रिएटर्स को करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं अपना सोशल मीडिया का प्रेजेंस, इज़ डाइवर्सिफाई। एक ही प्लेटफॉर्म पे टिके मत रहो, क्रॉस प्लेटफॉर्म में प्रमोशन करो। अब इसका प्रॉब्लम ऐसा आता है कि बहुत बार क्रिएटर्स सब प्लेटफॉर्म्स पे एक ही बार ऑडियंस ग्रो करना स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं सेम टाइम पे, विच बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अगर आपके पास एक टीम नहीं है। तो उसका तरीका बहुत सिंपल सा है, आप एक प्लेटफॉर्म पे आपका ऑडियंस बना रहे हो, साथ साथ प्रमोट करते जाओ कि इफ़ यू वांट यू कैन गो टू माय इंस्टाग्राम। जैसे मैं आपको बोलता हूँ बहुत बार कि मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे कमेंट लिख सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेजोगे तो आई विल रिस्पॉन्ड, तो आप मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट करो, राइट। द सेम वे आई टेल यू कि अगर आप एक्स्ट्रा इनपुट चाहते हो तो मेरा जो स्मार्ट ब्रेनोलॉजी का बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। सो आई एम टेकिंग यू थ्रू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स बट आई एम फोकसिंग ओनली ऑन यूट्यूब। वो फोकस रहता है, फोकस रहने की वजह से मेरा ग्रोथ बेटर आता है एंड एट द सेम टाइम आई एम क्रॉस प्रमोटिंग थोड़ा 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 करके, इन द लॉन्ग रन इट रियली बिल्ड्स अप। तो हमेशा क्रॉस प्रमोशन के हिसाब से चलो, किसी एक प्लेटफॉर्म पे हमको डिपेंड नहीं होना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डाइवर्सिफिकेशन इस सेंस में बहुत बहुत ज़रूरी हो जाती है। मेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और चीज़ आ जाती है जो मैं बात करना चाहता था, जो पॉइंट नंबर 3 है, वो है कि बिल्ड समथिंग बिगर देन योरसेल्फ। तो एज एन इन्फ्लुएंसर क्या होता है, बिकॉज एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू, आप थोड़ा या तो ईगो फील्ड में आ जाते हो या यू स्टार्ट फीलिंग लाइक एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू, बट द थिंग इज एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द पीपल जो आपको फॉलो करते हैं। तो जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, एक्चुअली ये चैनल मेरे लिए नहीं है, राइट। ये चैनल आप लोगों के लिए है जो लोग मेरे वीडियोज़ देखते हो, ये चैनल आप लोगों को वैल्यू देने के लिए है। तो रैदर देन जस्ट एंड प्योर एंटरटेनमेंट वैल्यू, बिकॉज एंटरटेनमेंट का क्या होता है, मेरा कल अगर चैनल बंद हो जाए एंटरटेनमेंट के सोर्सेज आपको और मिल जाएंगे, पर अगर मैं आपको वैल्यू दे रहा था अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट, ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, किसी का भी अटेंशन स्पैन छोटा होता है वो सब, बट अगर मैं आपको असली वैल्यू दे रहा था, कुछ सिखा रहा था, कुछ जिस चीज़ की आपको सख्त ज़रूरत है वो आपको दे रहा था ना, तो मेरा अगर ये चैनल डिलीट हो जाता है आप नए चैनल पर भी चले जाओगे, आप मुझे ढूंढ ही लोगे। दैट इज़ द थिंग, वो हमको करना है, हमको वैल्यू देनी है सामने वाले को, बिकॉज वही आज से आगे जाने वाले, मेरे बिलीफ में इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आगे जाकर, एंड इंटरनेट को पकड़ के अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो यू हैव टू रियलाइज कि इंटरनेट पे जिसने ज़्यादा फ्री वैल्यू दे दी वो चला गया ऊपर, दैट इज़ द सिनेरियो। तो आप अगर कोई भी टॉप यूट्यूबर्स देखोगे वो इनडायरेक्टली भी काफ़ी सारा वैल्यू देते हैं अपने वीडियोज़ में, दे ट्राई एंड हेल्प पीपल आउट, एंड दैट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट। आप मेरे चैनल पर नोटिस करेंगे, ये चैनल आप देखो जो भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, मोस्ट ऑफ दीज वीडियोज़ आंसर अ क्वेश्चन, एंड ये मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चन आई गेट टाइम टू टाइम, कोई एक अगर एक मेरे को ऐसा क्वेश्चन होता है जो दो तीन क्लाइंट्स ने सेम क्वेश्चन दो तीन क्लाइंट्स ने मुझे पूछ लिया, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट, बिकॉज अगर दो तीन लोगों ने मुझे वो क्वेश्चन पूछा है इसका मतलब बहुत सारे लोगों का वो क्वेश्चन होगा। तो आप नोटिस करेंगे कि ये वैल्यू लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करती है, तो वो क्रिएटर्स मिस कर जाते हैं। क्रिएटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरफ चले जाते हैं, या तो आप एंटरटेनमेंट में जा रहे हो तो इतने बड़े हो जाओ कि योर नेम बिकम्स अ ब्रांड, एंड दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि बिल्ड समथिंग बिगर देन योरसेल्फ। बट द इजिएस्ट एंड द मोस्ट श्योर शॉर्ट वे टू बिल्ड समथिंग बिगर देन योरसेल्फ इज कि आप लोगों को एक्स्ट्रा वैल्यू दो किसी ना किसी फॉर्म में, वो चाहे आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हो, वो चाहे आप यूट्यूब वीडियोस बना के कर सकते हो, वो आप ब्लॉग लिख के कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम ये सब करते हुए अगेन पॉइंट नंबर 1 आ जाता है कि ओन योर ऑडियंस। आपका ईमेल लिस्ट कंसिस्टेंटली बिल्ड करने में ध्यान दो, बिकॉज वो ईमेल लिस्ट हेल्प करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ईमेल लिस्ट 1,500 लोगों का है, मैं कल सुबह एक मार्केटिंग की क्लास निकालता हूँ, आई सेंड एन ईमेल आउट एंड आई गेट पीपल जो इंटरेस्ट, मुझे पता है क्योंकि वो मैंने ईमेल लिस्ट बनाया है, मुझे पता है वो 1,500 लोगों को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो वो 1,500 लोगों को जब मैं भेजूंगा कि मैंने ये क्लास स्टार्ट किया है एंड अगर आप मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरा क्लास ज्वाइन करें, तो आई हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग देम, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि मैंने उनको वैल्यू दी है, मेरा कॉन्टेंट उनको ऑलरेडी पसंद है, तो दैट इम्प्रूव्स माई चांसेस ऑफ गेटिंग न्यू कस्टमर्स लॉन्ग रन में। एंड स्पेशली अगर आप एज एन इन्फ्लुएंसर ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स ला रहे हो, तो जो ब्रांड्स हैं दे रियली प्रेफर दैट,
दे प्रेफर कि आपके पास ईमेल पे भी ऑडियंस है दैट यू ओन एंड दैट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो क्रिएटर्स को ये जो बैन है टिकटॉक का, इससे ये कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए. मैं वापस रिपीट करूँगा जिनको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं. नंबर वन कि क्रिएटर्स को बेसिकली अपनी ऑडियंस ओन करना चाहिए, दैट इज़ वन. नंबर टू कि क्रिएटर्स जो हैं, किसी भी तरह के क्रिएटर्स, आज की डेट में आज से आगे जाने वाले भी बहुत क्रिएटर्स होंगे या बिजनेसेस जो हैं, उनको अपना जो डिजिटल इन्फ्लुएंस बनाना है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाना है डाइवर्सिफाई करके. दैट रियली हेल्प्स. डाइवर्सिफिकेशन इन दिस केस इज गोइंग टू रियली रियली हेल्प. अगेन कैसे बिल्ड करना है वो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है, बाकी मैंने बहुत सारे वीडियोस इन सब चीज़ों पे बनाए हैं, तो आप चैनल पे जाकर और ढूंढ सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा मैं एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ. तो वो आप इजीली मेरे चैनल पे जाकर ढूंढ सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने मुक्का नहीं मारा है लाइक बटन पे, तो ज़रूर लाइक बटन पे मुक्का मार दीजिए एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए. कमिंग बैक टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज कि जो भी आप कर रहे हो उसमें वैल्यू देना मत भूलना. वैल्यू इज गोइंग टू बी द की ऑन इंटरनेट. बिना वैल्यू दिए इंटरनेट पे कुछ करने का फायदा नहीं है. तो गाइज ये है मेरी तीन टिप्स अगर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हो, एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, और आप या आप ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर हो एंड आप ये टिकटॉक पे लगे बैन से क्या सीख सकते हैं एंड क्या आगे लेके जा सकते हैं इन योर इन्फ्लुएंसर करियर और इन योर ऑनलाइन कुछ भी करने का करियर. एंड आई एम गोइंग टू साइन ऑफ दिस वीडियो राइट नाउ. अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आंसर करूँ, तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में उनको छोड़ दीजिए एंड उसके साथ साथ लाइक बटन में मुक्का मार दीजिए. मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए